नमस्कार, मैं हूं समीर परवेज और आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी। चलिए डालते हैं खबरों पर नजर। पंजाबी महासभा ने लोहड़ी के मौके पर अपने समाज की चार करीब बेटियों की शादी कराई। शादी गुरुद्वारे में रीति रिवाज से कराई गई। दुल्हन पैलेस में पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित चार करीब कन्याओं की शादी में चारों दूल्हे बारात लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में नगर एवं क्षेत्र के लोग वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि सहोता, विधायक आदेश चौहान ने महासभा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोग अपने ही समाज की गरीब बेटियों की शादी कराने को आगे आएंगे तो काफी हद तक गरीब बेटियों की शादी हो जाएगी। इसके बाद पदाधिकारियों ने सिख रीति रिवाज से चारों का विवाह गुरुद्वारे में कराया। वहीं सभा ने वर वधु को उपहार देकर विदा किया। लोहड़ी के मौके पर पंजाबी महासभा द्वारा दुल्हन पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में पहले अरदास की गई। इसके बाद काले तिल, मूंगफली, रेवड़ी, फुल्ले आदि से आग को प्रज्वलित किया गया। इसके बाद नव विवाहित जोड़े एवं पहले बच्चे के जन्म के साथ आई महिलाएं एवं पुरुषों ने जमकर नाच गाना किया। महिला एवं पुरुषों द्वारा किए गए गिद्दा नृत्य पर लोगों ने तालियां बजाई और जमकर थिरके। लोहड़ी के पर्व पे चार लड़कियों के हमने शादियां करवाई हैं आज, जिसमें उनको दहेज का, उनके काम आने का जो सामान था वो सारा तैयार करवाया गया था। गुरुद्वारा साहब में अनंत कार्यज होगा। एक बहुत अच्छी पहल है, ये दूसरा टाइम है जो पंजाबी सभा ने ऐसा कार्य किया है। देखिए, मैं ऑलरेडी बोल रहा था कि जिसके पास बेड देने का समर्थ था वो बेड दिया, जिसने चेयर दे सकता था वो चेयर दिया। नेताजी ने बहुत अच्छे अच्छे भाषण भी दिए। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं फ्री कंसल्टेशन के लिए बोल दिया हूँ ऑलरेडी। एक हम कूपन प्रोवाइड करेंगे चारों कपल्स को, जिसके तहत उनको फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी वहाँ पे। अगर कोई आगे डिलीवरी या कोई किसी तरीके की समस्या आती है तो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स में सहोता हॉस्पिटल में इनका इलाज हो। देखिए, ये बीड़ा उत्तरांचल महासभा नगर इकाई जसपुर ने उठाया है गत वर्ष से। पंजाबी महासभा की जो जसपुर इकाई ने है, लोहड़ी वाले दिन अन्य कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम ना करके, जैसे कि अन्य शहरों में सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं, रुद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, सब जगह बड़े बड़े प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम भांगड़ा गिद्दा वगैरह के होते हैं लोहड़ी के पर्व पर। लेकिन जो जसपुर की टीम ने है लोहड़ी के पर्व को असली उद्देश्य से मनाते हुए गरीब कन्याओं के विवाह का बीड़ा पिछले साल से उठाया, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए मैं जसपुर नगर टीम के अध्यक्ष महेंद्र अरोरा जी, महामंत्री हरिओम जी तथा समस्त टीम का बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। चार कन्याओं की शादी हुई है और जो हमसे बनाए, मतलब हमने आपके सामने यहाँ रखा है और आप तो सबको मतलब दिखा रहे हैं, दहेज दिखा रहे हैं और बेड भी है और पेटी भी है, पंखा भी है, सिलाई मशीन भी है। लड़की के 5 सूट हैं, लड़के के 2 सूट हैं और 4 कुर्सियाँ हैं, 4 कुर्सियाँ हैं और एक मेज है और नाश्ते खाने का पूरा प्रोग्राम मतलब है। जो हमसे बना वो हम आगे करते रहेंगे। आज लोहड़ी के खुशी के अवसर पर उत्तरांचल पंजाबी महासभा जसपुर इकाई द्वारा चार कन्याओं की शादी का अरेंजमेंट किया गया अपने पास से और पूरे इंतजाम के साथ सभी रीति रिवाजों से गुरु मर्यादा के अंतर्गत शादियां की गई। शाम को लोहड़ी प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया और सभी ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं सतीश अरोरा उत्तरांचल महासभा परिवार की ओर से सभी को लोहड़ी की हार्दिक बधाई देता हूं। फन टीवी की ताज़ा खबरें देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें।